अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हमने अपना मैथ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है थाउजेंड वाली अमाउंट का आज मैं आपको जो अमाउंट्स करवाने वाली हूँ जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ प्लस का क्वेश्चन होगा आपने प्लस का क्वेश्चन आपकी पहले हम दो अमाउंट्स लिखते थे ठीक है दो अमाउंट्स लिखते थे उन्हें प्लस करते थे आज जो मैं करवाऊँगी हम तीन अमाउंट्स लिखेंगे और फिर मैं उन्हें आप लोग आपको प्लस करके दिखाऊँगी ठीक है कितनी अमाउंट्स लिखेंगे तीन अमाउंट लिखेंगे पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ आप लोग देखो अमाउंट साथ के साथ आप लोग लिखते जाओ मैं दोबारा से बता रही हूँ अमाउंट मैं आपको जहाँ पे जैसे बोलती हूँ आप अपनी कॉपी पे नोट किया करें ठीक है फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व किया करें और फिर मैच किया करें कि जो मैंने लिखा हुआ है और जो आपका लिखा हुआ है वो सेम है या नहीं है अगर सेम नहीं है तो आप उसकी कुरेक्शन कर लो ठीक है अब यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रही हूँ पहली अमाउंट पहली अमाउंट है आपके पास पहले पहले मैंने पहले अमाउंट लिखवाती हूँ टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन ठीक है पहले अमाउंट लिखवाइए मैंने टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन सेकेंड अमाउंट उसी के नीचे मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी अब आप इसमें प्लस करोगे मैंने अभी बताया था मैं तीन अमाउंट्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगी देखिए पहली अमाउंट लिखवाई दूसरी अमाउंट लिखवाई अब मैं यहाँ पे आपको तीसरी अमाउंट लिखवा रही हूं प्लस का साइन तीसरी अमाउंट के साथ लिखोगे दूसरी अमाउंट के साथ नहीं लिखोगे ठीक है अगर आप दूसरी अमाउंट के साथ लिखोगे तो इट मीन्स के जो आपने तीसरी अमाउंट लिखी हुई है वो आंस होगा इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है तो प्लस का साइन जो है वो थर्ड अमाउंट के साथ लिखोगे जब तीन अमाउंट्स वाले क्वेश्चन होंगे ठीक है जब तीन अमाउंट्स वाले क्वेश्चन होंगे तो प्लस का साइन थर्ड वाले अमाउंट के साथ लिखोगे और अगर दो अमाउंट वाले क्वेश्चन है तो सेकंड के साथ लिखोगे अब मैं थर्ड अमाउंट लिखवा रही हूँ थर्ड अमाउंट है आपके पास वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी टू वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी टू अब आप इन्हें प्लस करो वन में जीरो प्लस करो तो आंसर वन ही आता है और वन में टू प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे कर लेते हैं वन और इसमें कितने प्लस करना है टू वन टू थ्री कितना हो गया थ्री ठीक है अब नेक्स्ट आपके पास है सबसे पहले टू में फोर प्लस करो कितने प्लस करने यहाँ पे टू लाइंस डाले वन टू और इसमें प्लस कितने करना है फोर कितना प्लस करना है फोर वन टू थ्री फोर और उसी के साथ कितना इसमें कितना प्लस करोगे सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इन सारी लाइंस को टोटल कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ कितना हो गया ट्वेल्थ ट्वेल्थ का आप यहाँ पे टू लिखोगे वन आगे कैरी चला जाएगा वन आगे क्या चला जाएगा कैरी चला जाएगा अब नेक्स्ट आपके पास है थ्री फिर थ्री है और फिर उसमें कितना प्लस करना है फोर यहाँ पर प्लस करते हैं सबसे पहले थ्री थ्री लाइन्स डालोगे वन टू थ्री फिर आपके पास थ्री है थ्री लाइन्स डालोगे वन टू थ्री उसके बाद आपके पास कितना है फोर कितनी लाइन्स डालोगे वन टू थ्री फोर अब इन सारी लाइन्स को टोटल करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितनी हो गई टेन टेन में ये कैरी वाला वन प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा अलेवन अलेवन का वन लिखोगे वन फिर कैरी दे दोगे ठीक है अब ये तीनों अब सबसे पहले आपके पास क्या है टू में कितना प्लस करना है फाइव तो टू लाइंस डालोगे उसके साथ कितनी लाइंस डालनी है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव उसी के साथ कितनी लाइंस डालोगे वन ठीक है अब यहाँ पे इनमें प्लस करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितना हो गया एट एट में ये कैरी वाला वन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन ठीक है ये था आपके पास तीन अमाउंट्स वाले क्वेश्चन को प्लस करने का तरीका अब इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखवाती हूँ तीन अमाउंट्स में आपने प्लस करना है अब आपने देख लिया ना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अमाउंट किस तरह लिखी है अब सेकंड क्वेश्चन की अमाउंट मैं बोलती जाऊँगी और आप साथ, -साथ अपनी कॉपी पर नोट करते जाओगे और फिर बाद में चेक करोगे कि हमारी अमाउंट सेम है मेरी अमाउंट और आपकी अमाउंट सेम है अब देखिए पहला क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन लिखवा रही हूँ उसकी पहली अमाउंट है फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी वन सेकेंड अमाउंट लिखोगे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू इसमें प्लस करोगे वन थाउजेंट वन थाउजेंड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड के बॉक्स में मैंने कुछ नहीं कहा ट्वेंटी Nine, के बॉक्स में मैंने कोई डिजिट नहीं बोला तो वहां जीरो आ जाएगा अब इन्हें मुझे प्लस करवाओ जल्दी से प्लस करवा यहाँ पे वन है वन में कितना प्लस करना है टू यहाँ पे वन लाइंस डालेंगे और इसमें कितनी लाइंस डालेंगे टू ठीक है अब वन में टू प्लस करो वन और कितनी लाइंस डालेंगे नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितनी लाइंस डाली नाइन अभी इन्हें प्लस करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व कितना हो गया ट्वेल्व ट्वेल्थ का आपको पता है यहाँ पे टू लिखोगे वन आगे कैरी दे दोगे अब इसी तरह से यहां पे डाल लेते हैं हम लाइनें ठीक है सबसे पहले सेवन लाइंस डालेंगे यहां पे डालें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितनी लाइंस डाली सेवन सेवन में कितना प्लस करना है ठीक है सेवन में कितना प्लस करेंगे टू वन टू और फिर फिर दोबारा भी हमने टू ही प्लस करना अब इन सारी लाइन्स को काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन कितना हो गया अलेवन अलेवन में ये वन कैरी वाला प्लस करेंगे तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ का टू लिखोगे वन फिर आगे कैरी दे, दे दोगे अब सिक्स में कितना प्लस करना है फोर जीरो प्लस जीरो को हम किसी भी चीज़ में प्लस करें तो आंसर हमारे पास वही आता है तो इसलिए सिक्स को हम प्लस करेंगे फोर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और कितनी लाइन्स डालें वन टू थ्री फोर कितनी कितना हो गया टोटल करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितना हो गया टेन टेन में जीरो प्लस करो तो आंस टेन ही आएगा उस टेन में ये कैरी वाला वन प्लस करेंगे तो अलेवन हो जाएगा अलेवन का वन लिखोगे वन आगे कैरी दे दोगे ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कितनी लाइंस डाली है फोर वन टू थ्री फोर फिर फोर में कितना प्लस करना है टू वन टू और उस टू के बाद हमने वन प्लस करना है अब काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितना हो गया सेवन सेवन में ये कैरी वाला वन प्लस करेंगे तो एट हो जाएगा ठीक है ये थे आपके इस तरह से कैरी वाले प्लस के क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो पहले फोर लिखा हुआ है फोर लाइन्स डाल लो फिर क्या टू लिखा हुआ है फोर के आगे टू लाइंस डाल लो और फिर मैंने क्या लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है तो टू के आगे वन लाइन डाल लो फिर इन तमाम लाइंस को काउंट कर लो और अगर कैरी है तो उसे भी प्लस करके अपना आंसर लिख दो ठीक है इस तरह से ये थर्ड अमाउंट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब मैं नेक्स्ट आपको माइनस का क्वेश्चन करवाती हूँ पहली अमाउंट लिखवा रही हूँ मैं पहली अमाउंट है आपके पास सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी वन क्या अमाउंट लिखवाई है मैंने सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी वन माइनस करोगे फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू किस में से माइनस करोगे फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू अब वन में से टू माइनस कर सकते हो नहीं कर सकते क्या करेंगे कैरी लेंगे फोर से कैरी लोगे तो यहाँ आपके पास बाकी थ्री बच जाएगा वन को कैरी दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा अलेवन अब कट करना है अलेवन लाइन्स डाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन अलेवन में से माइनस कितना करना है टू टू लाइंस को कट कर दो अब काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितना बच गया नाइन तो यहाँ पर आप नाइन लिख दोगे नेक्स्ट आपके पास है थर्टीन सॉरी नेक्स्ट आपके पास है थ्री थ्री में से सेवन माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से कैरी दोगे, यहाँ वन वन बच जाएगा यहाँ हो जाएगा थर्टीन कितना हो जाएगा थर्टीन अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लाइंस डाल लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइंस डालना देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितना हो गया थर्टीन थर्टीन में से कितना माइनस करना है हमने सेवन माइनस करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कट कर दी सेवन लाइन अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितना बच गया सिक्स तो यहाँ पे हम सिक्स लिख देंगे यहाँ पे कितना है अलेवन अलेवन में सॉरी वन वन में से एट माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से कट करोगे यहाँ सिक्स बच जाएगा यहाँ हो जाएगा अलेवन अलेवन में से एट माइनस कर सकते हो चले करके देख लेते हैं यहाँ लाइंस डालते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन कितनी हो गई अलेवन अलेवन में से माइनस कितना करना था हमने एट एट माइनस करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये एट माइनस कर दिया बाकी लाइंस कितनी बची वन टू थ्री कितनी लाइंस बच गई थ्री तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे थ्री सिक्स में से फाइव माइनस करेंगे इजी सा आपको पता है बाकी वन बच जाता है ठीक है अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए माइनस का मैं सेकंड क्वेश्चन लिखवाती हूँ आपको वन थाउजेंड वन थाउजेंड ट्वेंटी वन हंड्रेड के बॉक्स में मैंने कोई अमाउंट नहीं बोली कोई नंबर नहीं बोला तो वहां पे क्या आ जाएगा जीरो अब सॉरी माइनस करोगे नाइन हंड्रेड एट्टी सेवन माइनस किससे करोगे नाइन हंड्रेड एट्टी सेवन अब वन में से सेवन माइनस कर सकते हो नहीं कर सकते कैरी दोगे यहाँ वन बच जाएगा यहाँ अलेवन हो जाएगा अब अलेवन में से सेवन माइनस करें यहाँ लाइन्स डालती हैं फिर माइनस करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन कितनी लाइन्स डाली हमने अलेवन अब उसमें से सेवन लाइन्स माइनस कट कर दें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन लाइन्स हमने कट कर दी बाकी कितनी बची वन टू थ्री फोर कितना बचा फोर तो फोर हमने यहाँ लिख दिया ठीक है अब इसी तरह से वन में से एट माइनस कर सकते हो नहीं कर सकते जीरो से कैरी भी नहीं ले सकते फिर हम क्या करेंगे इस वन से कैरी लेंगे तो यहाँ हमारे पास ज़ीरो बच जाएगा ये हो जाएगा टेन इस टेन से फिर हम कैरी लेंगे तो यहाँ नाइन बच जाएगा यहाँ हो जाएगा अलेवन अब अलेवन में से एट माइनस करेंगे फिर यहाँ पे हम क्या यहाँ पे करते हैं लाइंस डालते हैं अलेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन अलेवन में से कितना माइनस करना है एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट सॉरी दोबारा से करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये हमने एट लाइंस कट कर दी बाकी कितना बचा वन टू थ्री कितना बच गया थ्री तो हमने थ्री यहाँ लिख दिया अब नाइन में से नाइन माइनस करेंगे तो जीरो और ये ज़ीरो वैसे का वैसे आ जाएगा ठीक है अब ये हमारे थे माइनस के क्वेश्चन अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पहले हमारे पास दो नंबर होते थे ठीक है या तो थर्टी टू नाइन्टी नाइन एट्टी सेवन दो नंबर्स होते थे उनको हम मल्टीप्लाई करते थे आज जो हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने ना वो थाउजेंड हंड्रेड वाले करने ठीक है मैं बताती हूँ हंड्रेड वाले क्वेश्चन कैसे करोगे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लिखवाती हूँ पहला क्वेश्चन है टू हंड्रेड थर्टी वन ठीक है सिंपल उसी तरह होंगे पहले दो अमाउंट्स होती थी ऊपर अब तीन अमाउंट्स हो गई हैं ठीक है सिम टू हंड्रेड थर्टी वन मल्टीप्लाई करोगे फोर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको ठीक है टू हंड्रेड थर्टी वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर से अब फोर को वन से मल्टीप्लाई करो फोर वन जार फोर ठीक है फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते थे फोर फोर थ्री जार फोर वन जार फोर फोर टू जार एट फोर थ्री जार ट्वेल्व कितना होता है ट्वेल्व ट्वेल्व का टू लिखोगे वन आगे कैरी दे दोगे क्योंकि आगे एक डिजिट बचता है ना जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए हमने आगे क्या किया कैरी दे दिया अब फोर को टू से मल्टीप्लाई करोगे फोर वन जार फोर फोर टू जार एट एट में ये वन प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा नाइन सिंपल ऐसे होंगे इजी से क्वेश्चन है ना जैसे दो डिजिट्स मल्टीप्लाई होते थे ऐसे ही तीन डिजिट्स को करेंगे मल्टीप्लाई अब इसी तरह यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ वो आपको लिखवाती हूँ 572 क्या अमाउंट है 572 मल्टीप्लाई करोगे आप मल्टीप्लाई किससे करना है सिक्स है ठीक है इजी इजी से टेबल्स आएंगे टेबल आपको आने चाहिए मल्टीप्लाई के जब आप लोग क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब आपको टेबल आने चाहिए अगर आपको टेबल नहीं आएंगे ना तो आपके क्वेश्चन सही तरह नहीं होंगे अभी हम नीचे एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको नाइन तक टेबल्स आने चाहिए फिंगर टिप्स पे ठीक है और कट्स टेबल्स में कट जैसे नाइन 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 जार नाइन टू जार सेवन सिक्स ज़ार फोर टू ज़ार एट एट ज़ार इस तरह के आपको कट्स आने चाहिए अगर ये आपको कट्स आते हैं तो आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन इजीली कर लोगे अगर कट्स नहीं आते तो आप क्वेश्चन इजीली नहीं कर सकते ठीक है अब हम अपना सेकंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई का सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करो सिक्स वन ज़ार सिक्स सिक्स टू जार ट्वेल्व ट्वेल्व का यहाँ पर हम टू लिखेंगे वन आगे कैरी दे देंगे अब सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करो सिक्स वन हजार सिक्स सिक्स टू हजार ट्वेल्व थ्री हजार एटीन सिक्स टू हजार ट्वेल्व थ्री हजार एटीन सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव हजार थर्टी सिक्स सिक्स हजार थर्टी सिक्स सिक्स सेवन हजार फोर्टी टू क्या होता है सिक्स सेवन हजार फोर्टी टू फोर्टी टू में वन प्लस करेंगे तो फोर्टी थ्री यहाँ पे थ्री लिखोगे फोर आगे कैरी दे दोगे ठीक है अब इसी तरह से सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करो सिक्स फाइव थर्टी क्या होता है सिक्स जा, थर्टी थर्टी में फोर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी फोर ये आपका नेक्स्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए पहले प्लस का क्वेश्चन वो उसी तरह जैसे मैंने ये दिया तीन अमाउंट्स में प्लस का इसी तरह से ये क्वेश्चन दूंगी पहली अमाउंट आप लिखे सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी वन इसी में प्लस लिखेंगे वो आपके पास होगी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन प्लस का साइन डाल के नेक्स्ट अमाउंट लिखोगे नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी टू ठीक है इस ये क्वेश्चन है अब आप इन्हें प्लस करोगे नेक्स्ट माइनस का क्वेश्चन है माइनस का क्वेश्चन है आपके पास फोर थाउजेंड ट्वेल्व फोर थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड के बॉक्स में कुछ नहीं लिखा तो माइनस जीरो आएगा माइनस करोगे टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी वन टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी वन अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है हंड्रेड के अमाउंट का इस तरह का क्वेश्चन वो आपके पास है फोर हंड्रेड सेवेंटी फोर मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे थ्री से किससे मल्टीप्लाई करोगे थ्री से इसी के साथ आपका टेबल है टेबल ऑफ ट्वेल्व और इसी के साथ आपने अपनी बुक के भी पेज सॉल्व करने हैं ठीक है थीके? जहां तक आपको इसके साथ आपने अपनी बुक के पेज भी सॉल्व करने हैं पेज नंबर थर्टी सेवन से स्टार्ट करना है अपनी बुक का पेज और पेज नंबर थर्टी एट थर्टी नाइन थर्टी नाइन और उसी के साथ फोर्टी वन और आप करोगे फोर्टी थ्री ये कुछ पेजेस हैं आपकी बुक के जो आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं ठीक है समझ आ गई है ये सारा हो ये पेजेस होमवर्क में नहीं हैं जो मैंने बुक के पेज दिए हैं जो मैंने ये होमवर्क लिखवाया है ना आपको ये आपने अपना होमवर्क लिखना है और सबमिट करवाना है सबने ठीक है समझ आ गई है सबको अल्लाह हाफिज़